सभी सुंदर साथ एक बार अभ्यस्त आसन में बैठकर धनी के चरणों में अपना ध्यान लगाएंगे। रू जब सबसे पहले पन्ना जी में घूमट जी में पहुंचती है तो धनी के आगे अर्जी करती है, प्रथम लागू दो चरण धनी एना छुड़ायो खिन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव का एही जीवन, इन पांव तले पड़ी रमू धनी नजर खोलो बातून, पलना वालो निरखू नेत्र मेरे जीव का यही जीवन, मेरे जीव का यही जीवन। हे धनी मुझे इन चरणों से एक पल के लिए भी जुदा मत करना, मेरी आत्मदृष्टि में ये नैन हमेशा, ये चरण हमेशा, मेरे धनी का पूर्ण स्वरूप हमेशा हमेशा के लिए अखंड कर दो। मेरे धनी मेरी रूह को, मेरी सुरता को परम धाम की ओर ले चलो, मेरे धनी परम धाम की ओर ले चलो। जो अर्ज करती करती अपने आप को धाम दरवाजे के सामने पाती है। धाम दरवाजा पार करते ही 28 स्तंभ, 4 हवेलियों को पार करती हुई 5वीं गोल हवेली में पहुंच जाती है। 5वीं गोल हवेली जहां हमारा मूल मिलावा है, जहां हमारी खिलवत है, जहां मेरे धनी श्यामा महारानी के साथ हम सब रूहों के साथ वही विराजमान है। कंचन रंग के सिंहासन के ऊपर मेरे धनी, मेरी युगल पिया अपनी रूहों को अपने छत्र छाया में लेकर बैठे। रूह जैसे ही मूल मिलावे में पहुंचती है, धनी के चरणों में प्रणाम करती है, नतमस्तक हो जाती है, सिजदा करती है। सबसे पहले रूह का ध्यान राज्य के श्यामा जी के चरणों में जाता है। चरण इतने सुंदर गौर वर्ण लालिमा से परिपूर्ण, अति कोमल अति सुखदाई अति नूरमयी सुगंधि लिए हुई मेरे धनी के चरण, मेरे धनी के, मेरे युगल पिया के पंजे टखने कोंटी कड़े सबकी शोभा कितनी नूरमयी, इतनी सुंदर, इतनी लालिमा लिए हुए हैं। हाथ लगाएं तो स्पर्श सिर्फ कोमलता की ओर ही होता है, नरमाई में ही जाता है। मेरे पिया, मेरे श्यामा महारानी, मेरे सुभान श्यामा महारानी के चरण कितने ही सुंदर नूरमयी है। धनी के चरणों से जब रूह का ध्यान नाखून पर जाता है, नखों पर जाता है, तो नख इतनी तेजोमयी इतनी नूर लिए हुए, उसकी शोभा, उस तेज की शोभा, उस तेज की लहरें आकाश की ओर चलती जा रही है, और आकाश में भी वो लहरें समा नहीं पा रही। ऐसे लगता है कि कोई नूर का पुंज आ गया। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी निस्तेज हो गया। ऐसे लगता है उस आकाश में मेरे धनी के नूर की सागर की लहरें चल रही हैं।
रू उसी में ही अटक जाती है। धनी के नाखून की शोभा उसके बाद अंगूठों से लेकर छोटी उंगलियों तक, धनी के क्रमशः जो कटाव आया है, जो ढाल आई है, बहुत मनमोहक है, मनोहारी है, सबके मन को मोहने वाली है। धनी के चरणों को स्पर्श करते ही धनी की जो चरम की तली है, लाख है, टेड़ियां है, इतनी लालिमा लिए हुए हैं, गुलाबी आभा उनके अंदर बारीक बारीक रेखाएं लीके रू को अपने अंदर ही उलझा रही है। रू उसी में ही उलझ कर रह जाती है। ऐसे लग रही है कि रू नूर के सागर में लहरें लेती हुई उन लीकों के साथ साथ चल रही है। रू का ध्यान तभी अपने युगल पिया के चरणों में, चारों चरणों में जाता है तो क्या देखती है कि चारों चरणों के आभूषण एक जैसे, झांझरी, घूंघरी, कांवी, कड़ला, चारों चरण अरश के जवेरों से सुसज्जित है। मेरी शोभान श्यामा महारानी के दो आभूषण विशेष आए हैं, अनवट और बिछुआ। तू किसको देखे और किसको ना देखे, एक आभूषण को देखती है तो वही अटक कर रह जाती है। सबसे पहले रूप का ध्यान चरणों की पहले आभूषण झांझरी पर जाता है। झांझरी जो नाम ही झंझन से बना है, ये झंझन झांझरी रू के दिल को भी झंझन कर रही है, पूरे परम धाम को भी झंझनकार से गुंजायमान कर रही है। झांझरी के अंदर पतली पतली बारीक बारीक लड़ियां हैं, कई लड़ियों से एक तार को जोड़ा गया है। झांझरी की अनेक लड़ियों के बीच में करकरी भी आई है, बारीक बारीक करकरी। ऐसे लगता है असंख्य तारे उस पर समाये हुए। उन बारीक बारीक चेनों को, उन बारीक बारीक लड़ियों को घाटों से जोड़ा गया है। कुछ लड़ियां फिर घाट, फिर लड़ियां फिर घाट, धनी के श्यामा महारानी के पंजों को पूरी तरह ढक रही। सारे चरण उस झांझरी से, झांझरियों की लड़ियों से ढक गए हैं और एक एक लड़ी पे असंख्य करकरियां। इतनी शोभायमान है कि रू का ध्यान कहीं और जाता ही नहीं। लड़ियों को जिस घाटों से जोड़ा गया है उस घाट पर भी बेल, पत्ते, चित्रामन, घुंघरियां, इतनी शोभायमान है, इतनी सुंदर है कि रू उसमें ही लिप्त हो जाती है। रू उसी को ही देखती रह जाती है, रू उसी को ही निहारती जा रही है। दस दस रंग के दस दस नंग इस करकरी में, इस लड़ियों में आए हैं। हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, खराज, कई रंग इसमें आए।
कहने में तो ये कई 10 रंग हैं, पर 10 रंग ही कई रंगों से ओत प्रोत है। सभी रंग आपस में ही जंग कर रहे हैं। रू की नजर झांझरी के बाद घुंघरी पर जाती है। घुंघरी एक एक घुंघरी में 5 5 रंग, हीरा माणिक पुखराज पाच और नीलवी, जैसे मेरे धाम दरवाजे के दोनों तरफ आए चबूतरों के थंबों में, वही रंग मेरे पिया के चरणों की दूसरे आभूषण घुंघरी में आए हैं। एक एक घुंघरी में 5 5 रंग, ये रंग कोई यहाँ के नहीं, अर्श के रंग मेरे पिया के दिल से निकलने वाली लहरों के रंग। एक एक रंग में कई कई रंग नजर आते हैं, कहने को 5 रंग हैं। 5 रंग की इस घुंघरियों को सोने की तार के साथ जोड़ा गया है, जो अति लालिमा लिए हुए उनपे आई कुंडे कुंडों के साथ जोड़कर मेरे पिया की जो घुंघरी है इतनी छनकती है, एक हाथ लगाओ तो एक घुंघरी को हाथ लगाओ तो वही घुंघरी बोलेगी, दूसरी घुंघरी को लगाओ तो दूसरी। अब मन में आया कि सारी सारी घुंघरियां झनझनाएं मेरी मधुर ध्वनि को, पिया की मधुर ध्वनि को अपनी घुंघरियों को डाल दे। पिया अपनी मधुर ध्वनि उसी घुंघरियों में डालकर पूरे परम धाम को गुंजाय मान कर रही है। पूरा परम धाम, सभी पशु पक्षी सभी खोज खुशहालियां उस मधुर ध्वनि में माधुरता का रस प्राप्त करती। कुंडों पर आई पुतलियां भी बहुत ही प्यारी है, बेल बूटे पत्तों से सुसज्जित है। मेरे पिया, मेरे युगल पिया, मेरी श्यामा महारानी, हे मेरे धन। तभी ध्यान रू का तीसरे आभूषण कांभी पर जाता है। कांभी की शोभा तो क्या कहना, इसका वर्णन करूं तो कैसे करूं। चत आत्म की दृष्टि में ही ये सौंदर्य पूरी तरह नहीं आ पा रहा, तो इस मुख से व्यक्त करूं तो कैसे करूं। मेरे धनी आप ही बताओ, ये काम भी कैसी बनी। अति सुंदर काम भी, कड़ी से कड़ी जोड़कर जंजीर की तरह कांभी बनी है, ऊपर से नीचे कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, चरणों को चारों तरफ से लिपटी हुई है। एक एक कड़ी में अनेकों रंग, जुदे जुदे रंग आपस में ही जंग करती हुई प्रतीत होती है। अनेकों नेक रंग में पिया के, अनेकों अनेक रस मेरे पिया के इस कांपी में उड़ेल रही है। कांबी पर बनी पुतलियां, अब पुतलियां जो मोती की बनी हुई है, सुंदर मोती नूरमय चेतन सुगंधि लिए हुए, कोमलता सभी गुण इन पुत्रियों में विराजमान है।
पुतलियों के साथ की जो कड़ियां हैं, उन कड़ियों में किसी कड़ी में तो फूल बाग, किसी में चबच्चे, किसी में फवारे, किसी में उखराज पहाड़, किसी में मानिक पहाड़, किसी में जमुना जी लहराती हुई नजर आ रही है। सभी कड़ियों में मेरे धनी के 25 पक्ष शोभायमान है। धनी की जो ये पुतलियां हैं, ये पुतलियां धनी की ओर ही मुख करके खड़ी हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। क्यों ना करें हर पल मेरे धनी के, मेरे पिया के हृदय का, इश्क का, रस का पान कर दी। जैसे ही इस रू ने इस काम्बली को स्पर्श किया तो एकदम क्या नजारा होता है। फवारे चलने लग जाते हैं, वृक्ष झूमने लग जाते हैं, डोले झनकार झनकार करते हुए, झन झन करते हुए डोलने लगते हैं। जैसे सब एक अपने प्रसन्नता को जाहिर कर रहे हैं, पुतलियां भी अपना मुख इस रू की ओर करते हुए सिजदा करती है। रूप भी फूलों नहीं समाती, अपने पिया का ये लाड देख रू भी खिला रही है, रू भी झूम रही है। काम के सभी वस्त्र अनंत रंगों के आभूषण अर्श के जवेरों से बने हैं, अर्श के जवेरों से सुसज्जित है ये रू। उस पुतलियों से फिर बात करने की चाहना रखती है तो पुतलियां भी खुश होकर कहती हैं, आ गई मेरी सखी, आ गई मेरी रू, कब से इंतजार कर रहे हैं पिया तेरे। रू कहती है, हे पुतलियों, हे मेरी सखियों, तुम कितनी सौभाग्यशाली हो जो हर समय पिया के चरणों में लिपटी रहती हो। पिया के हृदय का, इश्क का सागर का रस पान करती हो। तुम कितनी सौभाग्यशाली हो तो तुम पिया के चरणों की शोभा मिली है। पुतली कहती है, हे रू, निराश मत हो, हमारे धनी आप सबके हृदय में विराजमान होकर आपको ये रस हमेशा हमेशा देते रहेंगे। आपको भी ये रस मिलता रहेगा, आप उस रस से वंचित नहीं रह पाओगे। आप तो मुझसे भी सौभाग्यशाली हो कि आपके तो हृदय में धनी स्वयं में आकर बैठ जाए। ऐसा सुंदर सुखदाई उत्तर पाकर रू झूम उठती है। इस सुख को अखंड कर लेना चाहती है। सभी हिंडोले फवारे यूं चल रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है कि मुझे भी उस रस में भिगो रहे हैं जो रस वो अपने धनी से ले रहे हैं, वो अपने पिया से रस ले रहे हैं।
उस रस का आनंद मुझे भी दे दो। गुरु का ध्यान उससे हटता तो नहीं, पर ऊपर आया कड़ला, ऐसे सब आभूषणों पे शोभायमान कि जैसे वो ही सब छत्र छाया में बिठा कर रख रहा है। कड़ली की शोभा जो अंदर से खोखला है पर घुंघरुओं से ओत प्रोत है, वो सुंदर सोने का कड़ा अर्श के जवेरों से सुसज्जित कड़ा सभी को अपनी छत्र छाया में रख के बैठ मेरे श्यामा महारानी के भी सभी आभूषण अर्श के जवेरों से रू बारंबार इन आभूषणों पर इन चरणों पर वारी वारी जाती है, बलिहारी जाती है, क्योंकि ये चरण ही मेरे धनी के चरण, मेरी श्यामा महारानी के चरण इस रू के जीव के आधार हैं। श्यामा महारानी के दो आभूषण अनवट और बिछुआ जो विशेष आए हैं अति सुंदर अति नूरमयी तेजोमयी अंगूठे पर आया अनवट जो छोटी मुंद्रियों से थोड़ी सी बड़ी है, जिसमें दर्पण आया जिसमें श्यामा महारानी भी अपना श्रृंगार देख पाती है। अंगूठों पर आए बिछुए कई रंगों नंगों से सुसज्जित है, जिसमें सभी बिछुए सबके मन को मोह रहे हैं। धनी के चरणों को स्पर्श करते ही सभी आभूषण ऐसे झनकार करते हैं, ऐसे झनझन करते हैं कि पूरा परम धाम उसमें उस मधुर ध्वनि में उस माधुरता के रस में अपने को डुबो देता है। मेरे पिया मेरे युगल किया तेरी सुभान श्यामा रानी के चरण, इन चरणों से मैं एक पल के लिए भी अलग ना हूं। हे धनी मुझे इन चरणों में हमेशा वो सुख देना, हमेशा वो आनंद देना, इन चरणों को मेरे रूह में मेरी आत्मिक दृष्टि में मेरी आत्मा के दिल के अंदर अखंड कर दो मेरी धनी, अखंड कर दो मेरी धनी। फेर फेर स्वरूप जो निरखिए बारंबार मैं धनी आपके चरणों को हमेशा निरखती रहूं, हमेशा देखती रहूं। इसी दृढ़ संकल्प के साथ बस धनी यही आपसे कहूंगी, मेरी रूह है नैन की पुतली, इन पुतलियों के नैना इनमें राखू पिया को अपने, तो मेरी रूह पाए चैना, धनी तो मेरी रूह पाए चैना। रूह को तब तक चैन नहीं आएगा धनी जब तक कि आपके चरण कमल मेरे हृदय में अखंड नहीं हो जाते, मेरे हृदय में बस नहीं जाते, क्योंकि यही चरण कमल ही तो मेरे धनी का मेरे युगल स्वरूप का पूरन स्वरूप मेरे दिल में ले आते। ये चरण कमल से ही
धनी का पूर्ण स्वरूप दिल में आ। सुंदर साची, हमें भी चितवन में डूब कर अपने धनी को बारंबार निहारना है, धनी के चरणों में ऐसे डूब जाना है कि वो रस हम भी पा सके, जो रस ये धनी के आभूषण, जो चेतन है स्वयं ही धनी का ही अंग, स्वयं ही धनी का ही उसमें स्वरूप है। जो रस वो ले रहे हैं, हमें भी उस रस को हमेशा हमेशा के लिए लेना, अपने जीवन को सफल बनाना, अपने जीवन को सफल बनाना। प्रणाम।